दलित बंधु स्कीम के आज इस कार्यक्रम पे आए सो ऑनरेबल मिस्टर हरीश राव साहब, उसी के साथ साथ एमएलए माणिक राव साहब, जिला परिषद चेयरमैन मंजूश्री जयपाल रेड्डी मैडम, एमएलसी फारूक साहब, हमारे कलेक्टर हनुमंत राव साहब, एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी राजहंसा और हमारे TSMIDC चेयरमैन श्रीनिवास येरलू श्रीनिवास साहब, DCMS चेयरमैन शिवकुमार साहब, तनवीर साहब, CDC चेयरमैन उमाकांत पाटिल साहब, गोवर्धन रेड्डी, शेख फरीद, सभी MPP, ZPTC, सरपंचेस, काउंसलर्स और सभी लोगों को, दलित बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और जय भीम। उसी के साथ साथ प्रेस मीडिया को भी बहुत बहुत नमस्कार। पिछले तेलंगाना सरकार आने के बाद 7-8 साल के कार्यकाल में सभी जाति के लोगों को, SC ST BC OBC लोगों को सभी वेलफेयर स्कीम देने का सरकार ने काम किया। सो इसलिए सबसे पहले आप सबकी तरफ से हरीश राव साहब को और CM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्कीम देने के बावजूद भी CM साहब को लगा कि दलित लोग अभी भी बहुत नीचे के स्तर पे है, उनको अपलिफ्टिंग करना, उनको ऊपर लेके जाना ज़रूरी है, बोल के दलित बंधु स्कीम लेके आए। इस दलित बंधु स्कीम सिर्फ और सिर्फ भारत देश में तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य के अलावा कोई भी स्टेट में दलित बंधु जैसी स्कीम नहीं है जिसमें 10 लाख रुपये का ग्रांट आपको डायरेक्ट दिया गया है। 10 लाख रुपये आपके दिल से, आपको जो चाहे उसके खर्चा करने को आपको प्राइवेसी दे दिए, सो आपके दिल से खर्चा करने के लिए उसमें मुभा दे दिए। सो जिनको जो बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिसमें जिसमें उसकी एक्सपीरियंस है, वो बिजनेस में काम करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके अपना फैमिली चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अच्छा एक पैसा कमाने के लिए स्कीम लेके आए। सो ऐसा स्कीम पहली बार ही अपने पास आया, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। गुड़गियर पल्ली के 100 लोगों को आज पहली बार स्कीम दिए। सो एक एक करके आने वाले दिनों में सभी लोगों को स्कीम आने वाला है, कोई भी ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली ये स्कीम से सभी लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारे स्कीम पहले दिए सो है, माइनॉरिटी के लिए भी दिए सो है, उसी के साथ साथ और भी स्कीम्स हमारे तरफ से राज्य सरकार की तरफ से दिए सो। उसमें से सबसे बड़ा स्कीम, सबसे ज़्यादा पैसे खर्चा करने वाला स्कीम दलित बंधु स्कीम है, जो भारत सरकार ने, हमारे भारत सरकार में भी ऐसी स्कीम नहीं है। इवन दो जो दिल्ली में आंदोलन होगा, आंदोलन में जो लोग मारे गए वो लोगों को भी तेलंगाना सरकार की तरफ से पैसे देने का काम किए। सो ये बहुत बड़ा, बोल तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी CM साहब को धन्यवाद देना चाहिए। हमेशा ही तेलंगाना सरकार किसानों के फेवर में है, दलितों के फेवर में, माइनॉरिटी के फेवर में काम करने वाला है, इसलिए दलित बंधु जैसे 24 घंटे बिजली देने जैसा काम देके दलितों का और किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किए। सो आपके सम्मान के लिए दलित बंधु लेके आए, सो आप सम्मान से रहेंगे ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और स्कीम का पूरा फायदा लेके आने वाले जनरेशन को भी उसको चलाने के लिए, उसका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रोत्साहन देंगे, ऐसा बता के मेरी बातें खत्म करता हूँ। थैंक यू।